अखाम किश्तवाड़ पुजी भद्रवाह दा नीचे हेलीपैड हेलीपैड जा कि आप लोगों को पता होगा अभी 28 तारीख से अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाला है। प्लस ये जो एरिया है उधमपुर का एरिया, यहाँ पे बारिश वगैरह के कारण बहुत सारी नेचुरल डिज़ास्टर या आपदा आ सकती है। उसी में ये जो आज का एक्सरसाइज या डिज़ास्टर मैनेजमेंट जो एक्सरसाइज हमने किया है वो हमने SDRF स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटीज़ के साथ किया हुआ है, ताकि मेल मिलाप और एक किसी भी आपदा से बचने के लिए किस तरीके से हम लोग अपनी तैयारी करके और उस आपदा से जल्दी लोगों को हम बाहर निकाल सके, उस चीज़ का हमने ये मॉक एक्सरसाइज किया है जो कि आपके सामने अभी अंजाम लिया जा रहा है। तो सर मॉक ड्रिल में क्या क्या आपको पर्टिकुलर क्या क्या चीज़ें करवाई? ओके, पहले तो ये मॉक ड्रिल जो हमने आज का जो एक्सरसाइज था वो हमने दिखाया कि पिछले बहुत दिनों से बारिश चल रही है और एक लैंडस्लाइड में कुछ घरें और कुछ लोग उस मलबे के नीचे आ गए हैं। तो उसके बाद ये जब हुआ हमने अपने वार्निंग ऑर्डर देते हुए लोगों को एक्टिवेट किया, हमारे डेट थे प्लस आपके SDRF के डेट और सिविल अथॉरिटीज़ जिसमें कि पब्लिक हेल्थ वगैरह सारे इन्वॉल्व थे। उसमें सबसे पहले हमारे रेस्क्यू टीम ने लोगों को निकाला, उसमें हमारे ट्रैकर डॉग भी थे जिन्होंने कि अपना कैजुअल्टीज़ को निकालने में हमारी मदद करी। और उसके बाद बहुत अलग अलग तरीके से स्ट्रेचर के द्वारा, फ्लाइंग फॉक्स के द्वारा, पुलिस सिस्टम के द्वारा हमने कैजुअल्टी को इवैक्यूएट किया। और इस अभी जब जो आपने देखा जो सीरियस केसेस थे उनको हमने हेली इवैक्यूएट करके हॉस्पिटल में पहुंचाया। मैं रविंद्र कुमार, DC उधमपुर। आज एक्सरसाइज की गई है और ये एक मेजर एक्सरसाइज है डिज़ास्टर मैनेजमेंट को लेकर। अगर कल को अमरनाथ यात्रा के दौरान कोई लैंडस्लाइड या कोई किसी तरह का हादसा होता है, कोई एक्सीडेंट या और किसी भी तरह का कोई डिज़ास्टर होता है, तो उसमें कैसे एजेंसी रिस्पॉन्ड करेंगी, तो उसको लेके एक मॉक ड्रिल यहाँ पर की गई है जिसमें हमारी सेना के अलावा पुलिस, SDRF और बाकी हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के इसमें डिपार्टमेंट्स भी शामिल हैं। और इसमें कई तरह के एक्सरसाइजेज की गई हैं, जैसे किसी को कैसे इवैक्यूएट करना है, कैसे उसको एयरलिफ्ट करना है, तो सारी एजेंसीज इसका पार्टिसिपेट कर रही हैं। और ये मुझे लगता है कि हमारी सभी एजेंसीज के लिए एक ज़रूरी एक्सरसाइज और यात्रा के लिहाज से ये बहुत इम्पोर्टेंट है।